कॉलेज। छुट्टियों के बाद आज कॉलेज में काफी चहल पहल दिख रही है। कोई पुराने दोस्तों से मिल रहा है तो कोई शेड्यूल पता कर रहा है। फ्रेशर्स जहां नए माहौल को जान समझ रहे हैं, वहीं सीनियर्स उनके रैगिंग में बिजी हैं। कॉलेज की लाइफ का कोई मुकाबला नहीं है। यही वो जगह है जहां हम अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना शुरू करते हैं। लाइफ को सही तरीके से समझना और कंट्रोल करना भी सीखते हैं। इससे पहले हमारे अभिभावक, शिक्षक और बाकी सभी बड़े हमें बताते हैं, ये करो, वो मत करो, ऐसे करो, वैसे मत करो। मगर कॉलेज में आने के बाद हम अपनी तरह से जीते हैं, नई चीजें भी सीखते हैं और अपनी हर हरकत का रिजल्ट भी हम ही भुगतते हैं। कुल मिलाकर कॉलेज में हमारी जिंदगी की असली शुरुआत होती है। ये कहानी भी इसी बारे में है। ये कहानी है 5 दोस्तों की जो इसी कॉलेज में पढ़ते हैं। तो आइए मिलते हैं इन दोस्तों से। कॉरिडोर में परी और गोल्डी बातें करते हुए क्लास में जा रही हैं और तभी अचानक से वो किसी से टकरा जाती है और उनकी किताबें गिर जाती हैं। परी जल्दी से किताबें उठाने लगती है लेकिन गोल्डी उस इंसान को डांटने लगती है। खुद को समझते क्या लड़की, देखो लाइन मार रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे टकराने की? ओ मैडम आराम से, मुझे कोई शौक नहीं है किसी को टक्कर मारने का, तुम्हारी गलती थी। ध्यान कहाँ था तुम्हारा, सामने देखो क्यों नहीं चल रही थी? देखो मिस्टर, इट्स ओके गोल्डी, इसको बाद में देख लेंगे, फिलहाल क्लास में चलते, लेट हो रहा। परी ने समझाया और दोनों क्लास में चली गई। कैंटीन में रेहान बैठ कर अपने मोबाइल में कुछ कर रहा है, तभी उसके पीछे से आरव आता है और गुड मॉर्निंग विश करता है। रेहान भी फोन रखकर उसे विश करता है। यार तू वापस कब आया और बताया भी नहीं, बता देता तो सब साथ में कॉलेज आ जाते, आरव ने पूछा। आज ही आया और मैं घर नहीं गया था, सीधा कॉलेज ही आ गया तो बताया भी नहीं, सोचा तुम सबको सरप्राइज कर दूं। अच्छा ये बता, यहाँ सब कैसे हैं और कैसा चल रहा है सब कुछ? भाई अंकल के काम से तो तू गया था ना मुंबई, तो तू ही बताएगा ना कि कैसा है सब कुछ। हाँ जहाँ तक सबका सवाल है तो पापा बिल्कुल ठीक है, मैं तेरे सामने हूँ और कॉलेज की छुट्टियाँ खत्म होने के बाद तो मैं किसी से मिला भी नहीं, आज ही मिलूंगा सबसे, तो मुझे नहीं पता कि सब कैसे हैं। आरव ने अपनी हंसी छुपाते हुए कहा तो संजय भीग गया। सभी परी, नमन और गोल्डी भी वहाँ आते हैं और सब एक दूसरे को विश करते हैं। ये 5 दोस्त हैं और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं। रेहान और आरव के पिता बिजनेस पार्टनर हैं और वो दोनों 5 साल उनके साथ काम करते हैं। आरव और रेहान बचपन से साथ रहे हैं इसीलिए दूसरे के ज्यादा नजदीक हैं। परी और गोल्डी सुबह की घटना के बारे में सबको बता रही होती हैं कि तभी अजय और आरजू आते हैं और सबको हेलो बोलते हैं। अजय रेहान का भाई है और आरजू आरव की बहन है। आज उनका कॉलेज में पहला दिन है। तो बच्चों कैसा रहा कॉलेज का पहला दिन, परी पूछती है। ओ हेलो, अब हम बच्चे नहीं है, अब हम भी कॉलेज में आ गए। और कितना बेकार कॉलेज है, किसी ने भी हमारी रैगिंग नहीं की, पता मैं कितनी एक्साइटेड थी, मैंने कितनी तैयारी की थी, और सब बेकार। आरजू ने मासूमियत से कहा तो सब हंसने लगे। मैडम किसी ने भी आपकी रैगिंग इसलिए नहीं की क्योंकि आपके बड़े भाई मिस्टर आरव इस कॉलेज में स्टूडेंट यूनियन के सेक्रेटरी हैं, आरव ने गर्व से बताया। कोई नहीं, तब किसी ने नहीं की तो अब सही, आखिर हम भी तो सीनियर हैं। तो ये क्या कर रहे हो तुम दोनों, तुमसे बैठने को किसने कहा? सीनियर से कैसे बात करते तुम्हें पता नहीं है, रिहान ने सीरियस होते हुए कहा। तो बाकी सब भी इसके साथ शामिल हो गए और उन दोनों की रैगिंग करने लगे। नाम क्या तुम्हारा, आई कितनी है, हॉबीज क्या है, गाना गाने आता है, डांस करने आता है, अच्छा चलो डांस करके दिखाओ, सॉन्ग हम बताएंगे। इतना कहकर रिहान ने अपने फोन में गाना प्ले किया। मन्हे मन्हे बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मन्हे मन्हे बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी, मुट्ठी में है तकदीर हमारी, हमने किस्मत को बस में किया है, भोली भाली मत वाली आँखों में क्या है, भोली भाली मत वाली आँखों में क्या है। आप सब बहुत बुरे हो, आरजू ने नाराजगी से कहा तो सब जोर से हंसने लगे। अच्छा चलो जल्दी बनना क्लास के लिए, लेट हो जाएंगे, वैसे भी कोई नए प्रोफेसर आने वाले हैं तो पहले दिन मुझे बात नहीं खानी, गोल्डी के कहने पर सब क्लास में चले गए। क्लास में सारे फ्रेंड्स क्लास में बैठे हुए थे, प्रोफेसर अब तक आए नहीं थे,
तो सब आपस में मस्ती कर रहे थे। तभी क्लास में एक नया बंदा आ गया। सब एक दूसरे से पूछते हैं कि कौन है। तभी गोल्डी कहती है, ये तो वही है जिसने सुबह में टक्कर मारी थी। गुड मॉर्निंग क्लास, मेरा नाम अविनाश है और मैं आप लोगों का नया प्रोफेसर हूँ। मैं आप लोगों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास लूंगा। ये तो हुआ मेरा इंट्रोडक्शन। आप लोगों की बारी है, कौन बताएगा? यस, यू। ओ झांसी की रानी, ये क्या किया तुमने? प्राइवेट प्रोफेसर से पंगा, अब तो हम गए, ये हमें कैसे घूर रहा है? परी ने रोनी सूरत बनाकर कहा, हाँ तो मुझे थोड़ी ना पता था कि कोई प्रोफेसर है। अरे देखने से तो बिल्कुल हीरो टाइप लग रहा है। मसल्स तो ऐसे बना रखे जैसे क्लास में लेने आया बल्कि बॉक्सिंग करने आया। तुम दोनों चुप करो वरना ये हम सबको क्लास से बाहर कर देगा, नमन ने छोड़ते हुए कहा। क्लास के बाद, अजय कहाँ जा रहे हो? चलो साथ घर चलते हैं, मॉम वेट कर रही होंगी, रिहान ने कहा। ओ प्लीज भाई, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो कहीं गुम हो जाऊंगा। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूँ, खुद घर आ जाऊंगा, अजय ने झड़कते हुए कहा और चला गया। भाई मुझे घर जाना है, आरजू ने कहा। आरजू यार मुझे थोड़ा काम है, थोड़ी देर हो जाएगी, एक काम कर तू रेहान के साथ चली जा, आरव ने प्यार से कहा। रवि तो भाई मैं ऑटो से चली जाऊंगी, आरजू ने कहा। तू तो ऐसे बोल रही है कि जैसे तू उसके साथ जाएगी तो रेहान तुझे खा जाएगा, अरे जो ऑटो के पैसे हैं वो तो मुझे दे देना, आरव ने गुस्से में कहा। तो आरजू जाकर रेहान की कार में बैठ गई। रेहान ने मुस्कुराते हुए आरव को आंखों से इशारे में थैंक्स कहा और कार आगे बढ़ा दी। आरव भी अपनी बाइक लेकर चला गया। कार में आरजू चुपचाप बैठी खिड़की के बाहर देख रही थी और रेहान उसे मनाने की कोशिश कर रहा है। म्यूजिक सुनेगी, आज मेरी फूलन देवी इतनी चुप क्यों? अच्छा बताना क्या बात है? ओ बाप रे कितनी गर्मी है। आरजू ने उसे घूर कर देखा तो रेहान ने बात बदलने की कोशिश की। अच्छा गर्मी कितनी बढ़ गई है ना, काफी टाइम से बारिश भी नहीं हो रही है। अच्छा गोलू क्या लगता है, बारिश होगी? डोंट कॉल मी गोलू, मेरा नाम आरजू है, आरजू ने धमकाते हुए कहा। तो जब मैं आरजू बोल रहा था तब क्यों नहीं बोली? कितनी देर से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम्हें भी कुछ नहीं मिल गया? क्या यार मैं सबसे बोले जा रहा हूँ, अरे कुछ तो बोल। अच्छा सुन, तेरे फेवरेट छेनू हलवाई की दुकान पे चाट खाऊं? चल ना, चाट से जैसी दुश्मनी। रेहान किसी तरह आरजू को चाट खाने के लिए मना कर ले जाता है और उसकी तरकीब काम कर जाती है। कहाँ गए थे इतने दिन, कुछ बताया क्यों नहीं? हाँ भाई हमें कोई कुछ क्यों बताएगा, आखिर हम है कौन? मेरा प्यार, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ, रेहान ने मन में कहा। अब बोलिए भी कुछ, ऐसे मुंह क्या देख रहे हैं? अरे मेरी फूलन देवी, तो रुके तब तो मैं कुछ कहूँ। अरे बाबा ऑफिस के काम से मुंबई तो गया था, अब ये तो मैं अक्सर जाता हूँ छुट्टियों में, तो मुझे लगा कि तू तो समझ जाएगी इसीलिए नहीं बताया। और हाँ तू तो जानती है बचपन से कि तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो प्लीज ये नखरे बंद कर। आप सच में ऑफिस के काम से गए थे या कोई और बात थी? अरे यार कसम से ना, मैं तुमसे कभी छुपा नहीं सकता कोई बात। एक्चुअली मेरी ना मुंबई में गर्लफ्रेंड है, मैं ना उसी से मिलने जाता हूँ मुंबई, लेकिन तू ना ये बात किसी को बताना मत अभी। बेस्ट फ्रेंड सीक्रेट? गर्लफ्रेंड? देखी आईने में कभी? लड़की से बात करनी तो आती नहीं है, इनकी गर्लफ्रेंड है।